उद्धव हे उद्धव ब्रजम ब्रज को सौम्या हे भद्र पित्रो माता पिता तक नवो हमारे प्रीतिम तुष्टि आवह ले जाओ गोपी नाम गोपियों का मत मुझसे वियोग वियोग जनित आधिम मानसिक क्लेश का मत मुझसे लाए गए संदेशई संदेशों से विमोचय उन्हें छुटकारा दिलाओ अनुवाद भगवान कृष्ण ने कहा हे भद्र उद्धव तुम ब्रज जाओ और हमारे माता पिता को आनंद प्रदान करो यही नहीं मेरा संदेश देकर उन गोपियों को भी क्लेश मुक्त करो जो मेरे वियोग के कारण कष्ट पा रही हैं ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्जन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। तो उद्धव जी को भगवान बुला करके अपने दिल का बात कहे और जिसके लिए उद्धव जी को बुलाए थे अकेला में हाथ से हाथ हाथ पर हाथ रख करके वे भगवान जो सबके दुख को हरने वाले हैं और सुख को देने वाले हैं दुख सुख दोनों को चुरा करके आनंद देने वाले हैं वे भगवान और उद्धव जी से वे बात कहने जा रहे हैं जिस बात के लिए उद्धव जी को बुलाए थे। तो इस श्लोक में दो बात बताई गई है। एक है कि माता पिता को आनंद दो और दूसरा है गोपियों के दुख से उन्हें छुटकारा दिलाओ। अब आनंद देने में और छुटकारा दिलाने में अंतर है। आनंद माता पिता के लिए आनंद क्या चाहिए? जब माता पिता सोचते हैं कि बेटा खूब धन कमा रहा है बहुत बड़ा आदमी हो गया है उसको फॉलो करने वाले हजारों लोग हैं हैं पेपर में उसका डेली नाम आ रहा है टीवी पर आ रहा है उसका नाम बहुत लोग उसके प्रशंसक हैं तो इससे बढ़कर के माता पिता को आनंद क्या होगा? माता पिता को और क्या आनंद चाहिए? कृष्ण के पास आज सब कुछ था। कृष्ण कंस को मार दिए थे तो मथुरा वासियों को जो दुख था उस दुख से सबका निवारण हो गया था तो क्रेडिट किसको मिला था? कृष्ण को। नाम की बड़ाई किसकी हुई थी? कृष्ण का। मैन ऑफ द मैच कौन रहा? कृष्ण है। सब प्रकार से कृष्ण है। उतना ही नहीं मथुरा का राज प्राप्त हो गया था। देवकी वसुदेव जो नंद यशोदा के मित्र हैं उन लोगों का छुटकारा हो गया था। हमारा बेटा जाकर के इतना बड़ा काम किया ये कम बात थोड़े है। ये बाप माँ को छाती गर्व से फूल जाता है। तो भगवान यही कहते हैं गच्छ उद्धव हे उद्धव जाओ। कहाँ जाओ? ब्रजम ब्रज में जाओ। पार्टिकुलर यहां पर दो लोगों के लिए संदेश दिए हैं। कहते हैं सौम्य उद्धव जी को सौम्य कह रहे हैं। भगवान समझ रहे हैं कि वहां पर क्या गति है।
क्या गति है ब्रजवासियों का, भगवान पूर्णतया अवगत हैं। इसलिए उद्धव जी को सौम्य शब्द से संबोधित करते हैं। गर्मी के दिन में जब रात्रि के समय, पूर्णिमा की रात्रि हो, चांद की रश्मि बिखरी हो सर्वत्र, कितना अच्छा लगता है। वो रात स्वयं अच्छा लगता है, शीतलता तो प्रदान करता ही है, और शीतलता प्रदान करने के चलते चंद्रमा का काम है शीतलता प्रदान करना। चंद्रमा हमेशा शीतलता प्रदान करता है। पूर्णिमा की रात भी महीना में एक बार आता ही है। अब जाड़ा के दिन में पूर्णिमा का रात हो तो कोई मायने रखता है? कोई देखने तक नहीं जाता है कि पूर्णिमा का रात है। हाँ पूर्णिमा है, वैष्णव कैलेंडर में है, बस इतना है। कोई जाता नहीं है बाहर के पूर्णिमा का रात है, चंद्रमा की शीतलता प्रदान करेंगे। कब लोग जाते हैं? गर्मी के दिन में, जब तप्त रहते हैं। तो तप्त समय में जब चंद्रमा की शीतलता प्रदान होती है तो नेक्टेरियन लगता है। ये ब्रजवासी लोग तप्त हैं, कृष्ण के विरह में तप्त हैं, तो इसलिए उन लोगों को शीतलता प्रदान करने के लिए उद्धव जी को भगवान भेज रहे, इसलिए उनको सौम्य शब्द कह रहे हैं। आप हे शीतलता प्रदान करने वाले, शीतलता एक शारीरिक हो सकती है, एक मानसिक हो सकती है। शरीर की शीतलता अलग प्रकार की है और मन की शीतलता अलग प्रकार की है। शरीर को आनंद देने से शरीर की शीतलता और मन को आनंद देने से मन की शीतलता प्रदान होती है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि पित्रो नौ, यहां पर श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं पित्र नह, बल्लभाचार्य कहते हैं पित्रो नौ। दोनों में अंतर यह है कि नह मतलब हम सब लोगों का, नंद बाबा और यशोदा हम सबके पिता हैं, यानी तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे पितर हैं। उद्धव कहते हैं तुम्हारे भी हैं, यदि हमारे हुए तो तुम्हारे हुए, कि तुम मेरे कजिन हो। पहले ऐसे ही था, पहले हमारी परंपरा ऐसी ही थी, भारतीय सभ्यता संस्कृति ऐसी ही थी, वैदिक संस्कृति यही है कि गांव के बेटी बहन पूरे गांव की बेटी बहन होती है, यानी कि मेरी ही है। यही भाव था, मां पूरे गांव की मां है। पूर्णमासी जी को सब ब्रजवासी लोग ये समझते थे, नंद रानी पूरे ब्रज की मां थी, नंद बाबा पूरे ब्रज के पिता थे, भरण पोषण करने वाले थे। तो यहां पर नौ शब्द का मतलब ये कह रहे हैं कि हम सब लोगों का, लेकिन नह नहीं, नह मतलब हम सब लोगों का, और नौ मतलब सह तौ ते, सह मतलब एक वचन, तौ मतलब दो वचन। तो यहां पर कहा गया पितरो पितरो नौ, तो दो वचन हुआ, यानी हमारे और कृष्ण बलराम के दो का ही बात कह रहे हैं। पितरो नौ मतलब हमारे और कृष्ण बलराम के, वे पिता हैं हमारे और कृष्ण बलराम के। लेकिन सिपाजी गोस्वामी कहते हैं नह, नह मतलब हम सब लोगों के पिता हैं। दोनों सही है। ये कौन बात कर रहा है इधर फोन पर? दोनों सही है, लेकिन जीव गोस्वामी का सार्वभौम थिंकिंग है। ये थिंकिंग पर डिपेंड करता है। जीव गोस्वामी सोच रहे हैं सबके लिए, और वास्तव में नंद बाबा इतना मैया सबके लिए बाप माँ थे।
ऐसा एक भी दिन नहीं था जब कृष्ण को अपना बेटा माने, सुबाल सिद्धाम इत्यादि को नहीं माने, सबको मानते थे। मैं छोटा था, मुझे याद है अपने गांव में मैं किसी के घर चला जाता था और जो भी बनता था हमको लोग बड़ा प्रेम से खिलाते थे। किसी प्रकार से एक हमारे मित्र थे, उनका नाम था रामा सिंह, उनकी माँ हमको सजाई दही खिलाती थी। उनका घर हमारे घर से बहुत दूर था, बैराज इतना दूर, हमारा गांव बहुत बड़ा गांव था, बैराज नहीं वो सिंहपुर समझ लीजिए, इतना दूर। वो सजाई दही खिलाती थी, मैं उसका बेटा नहीं था। तो ये हमारी सभ्यता संस्कृति है, आई एम श्योर सब जगह ऐसा बात है। तो जीव गोस्वामी का अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है। एनीवे डजंट मैटर, दोनों तरफ से। तो कहते हैं सौम्य पितरो नह या नौ प्रतिम आवह, जा करके उनको आनंद दो। अब दुख क्या था पहले जाने, तब तो आनंद का बात करेंगे ना। तो मैं ये जो बिरहणी राधे ग्रंथ है उसमें से मैं पढ़ूंगा। भाई देव कोई प्रमाणिकता करते हैं, प्रमाणिक हैं, रूप गोस्वामी के द्वारा है और इसका ट्रांसलेशन किए हैं डॉक्टर अवियल कपूर, जो प्रभुपाद जी के द्वारा प्रमाणित हैं। प्रभुपाद जी स्वयं उनके लेख को कितने बार बीटीजी में छपवाए, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था कृष्ण की ओर है, और शुरू शुरू में हम लोग उसके पुस्तक बहुत मानते थे। वही एक था हिंदी का किताब और कोई किताबें नहीं था। ऑन द वे टू कृष्ण नाउ। तो चलिए हम थोड़ा दुख को देखते हैं कि नंद बाबा और जसनामैया का दुख क्या था। जिस दिन नंद बाबा कृष्ण बलराम को छोड़ करके मथुरा से आए, लौटे जब नंद राय, छोड़ मथुरा में अपने आनंद कंद, तब से वे और ब्रजरानी दोनों निष्प्राण निरानंद। छोड़ करके तो आ गए लेकिन आने के बाद घर सुना पड़ गया, निष्प्राण निरानंद। शोकाकुल दोनों जन, बस क्रंदन ही क्रंदन। याद रखना क्रंदन ही क्रंदन। जब मैं गोपियों और पितरों के बीच में तुलना करूंगा उस समय यह काम आएगा। शोकाकुल दोनों जन, बस क्रंदन ही क्रंदन, हा हुतास निस्पंदन। हुतास मतलब हाय हाय मेरा बेटा चला गया, निस्पंदन बोल नहीं सकते थे कुछ, ऐसी परिस्थिति हो गई थी। स्वप्न में या जागरण में, अंतर में या बाहर में, एक ही स्फुरण एक ही चिंतन, हा जदुनंदन हा जदुनंदन। देख कृष्ण शून्य सैया, हुई बाबरी मैया, उठी करती हाहाकार, कहती पुकार बार बार, कहाँ कहाँ मेरा नीलमणि, कहाँ नीलमणि। यशोदा मैया पुकार रही है, कहाँ मेरा नीलमणि, कहाँ नवजलधर श्याम, कहाँ बंसीधारी त्रिभंग जिसकी ठाम, कहाँ मेरा जीवन धन। नौ नंदीवर कहाँ चंद्रबदन, गोपाल गिरिधर मलिन मुख मलिन वेश, बहता नेत्रों से अश्रु निर्झर, बिखरे केश धौर्य का नहीं अवशेष, कोसती विधाता को छाती पीट पीट कर, विरह की दाव अग्नि ब्रज में चहुं ओर दहक रही है, ग्वाल बाल और ब्रज वनिताओं को, पशु पक्षी और तरु लताओं को अहर्निश दह रही है। तो ये परिस्थिति है नंद बाबा और जसोदा मैया का। अरे दारुण विधि, ये कैसे तेरी विधि,
देकर अपनी वस्तु क्या कोई ले लेता उसे। ओ दत्त अपहारी, क्या सुंदर दत्त अपहारी जो देकर के ले ले। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो देते थे दे दिए, अभी दे देकर मांग लेते हैं। जब झगड़ा होगा तो मांग लेंगे, दे दो हमारा, तो बच्चों का खेल हो गया, बच्चे दोस्त को देते, झगड़ा हो गया था हमारा सामान दो तुम। अभी शादी विवाह में तिलक देते हैं लोग, खटाई और क्या क्या सब सामान देते हैं, जब कुछ हो गया तो मांगना शुरू करते हैं, लिख करके देते हैं कि सब दे दो है। लेकिन शास्त्र इसका अनुमोदन नहीं करता। तो वही बात यहाँ पर है, देकर अपनी वस्तु क्या कोई लेता उसे। ओ दत्त अपहारी, लज्जा ना आती तुझे। ब्रह्मा जी को कोस रही है, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही, तूने दिया हमको और फिर तुम ले लिया। होकर विधि करता अविधि, तो ब्रह्मा है और काम दूसरा कुछ कर रहा है। पहले की वस्तु दान, जिसके नहीं कुछ समान, फिर ही लिए प्राण अबला असहाय जान। कि मैं स्त्री हूं इसलिए तो ऐसा किया हमारे साथ में। वो चार मुख वाले, क्या यही है तेरा विधान। कर कितना कुछ साधन, शिव गौरी आराधन, पाया जो मन चाहा धन, क्यों हर लिया तूने बोल, मेरे किस दोष के कारण, खोकर कृष्ण धन, अब कौन ऐसा जन, जिसे देख दुखनी जुड़ाए जीवन, मेरा ही नहीं वह तो सारे ब्रज का धन। तो इस प्रकार से यशोदा मैया उलाहना दे रही है। गोकुल के अंबर पर उदित काला चांद, जन जन के मन मानस में जिसकी शीतल किरणों का विस्तार, उसे उदित करा मथुरा में, किया गोकुल में अंधकार। रे सठ क्यों दिया उजाड़, तूने ब्रज का सारा श्रृंगार, मन में थी कितनी साध, कितनी उमंग, कितना आनंद, हाय कर दिया तूने सब निरस निरानंद। क्या कहा, तेरा नहीं कसूर। ये है प्रेम परिपाटी। कहते हैं बड़बड़ाने लगते हैं लोग प्रेम में, तो जैसा मैं बड़बड़ा रही है, मानो ये कह रहे कि ब्रह्मा जी करेंगे हमारा इसमें कसूर क्या है, मैं तो दिया था आपने रखा नहीं, आपका गलती है, हमारा क्या गलती है। तो कहती है क्या कहा, तेरा नहीं कसूर, दोषी अक्रूर नहीं, तू ही है क्रूर। अक्रूर को दोष दे रहा है, वो आकर लेकर चला गया, वो कैसे दोषी हुआ, तुम ही है क्रूर। बनकर अक्रूर ले गया दूर, हमने हमारा प्राण धन, हमारा तन, हमारा मन, हमारे जीवन का जीवन। अब जब इस प्रकार से यशोदा मैया व्यथित थी, कुछ भी भक्ति जा रही थी, तो एक सखी आई, उपनंद जी की पत्नी, आकर कहती यशोदे निश्चय ही आएगा जो राज, पूरा आकार मथुरा का काज, फिर क्यों हो रही ऐसी, तू क्या महिषी ऐसी वैसी, तो कोई समान नहीं हो, तुम ब्रज की रानी हो, अब तुम धौर नहीं धारण करोगी तो अन्य लोगों का क्या होगा। इसलिए जो लीडर होता है उसको छाती पर पत्थर रख करके तब लीडिंग करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है लीडर बनना, सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। जब किसी घर में देहांत हो जाता है, मान लो पत्नी का देहांत है, पति का देहांत हो गया, तो लोग समझाते हैं पत्नी को कि तुम ऐसी परिस्थिति में रहोगी तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, तुम ढाढ़स बांधो, वहाँ आते हैं तुम अपने को संभालो, बच्चों को देखना है, समझाते हैं लोग ऐसे नहीं। तो वैसे ही उपनंद जी की पत्नी समझा रही है उनको। गंभीर में सागर सी, धौर में बसुमती, त्रिभुवन में कौन तुमसी बुद्धिमती। यशोदा मैया का एक गुण है, कैसी है, गंभीर में सागर सी,
सागर बड़ा गंभीर होता है। परिचय है आप लोगों को, जो कम पानी वाला नदी होता है छल 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 खूब बहता है, खूब आवाज करता, लगता है कि अब इसके समान कोई है ही नहीं। आप चले जाओ हरिद्वार, चाहे इनो ऋषिकेश, चाहे और ऊपर भी चले जाओ, तो उसमें प्रवाह होता है। लेकिन वही गंगा जी आते आते जब गंगा सागर में आती है तो चुप, थोड़ा भी आवाज निकलता है। सागर में भी देखा जाता है कि सागर के तट पर बहुत लहर आते हैं, बहुत आवाज आता है। यदि पथरीला तट हो तो ढाई ढाई इतना आवाज आता है, लेकिन सागर के अंदर जाओ आवाज नहीं है, लहर है लेकिन आवाज नहीं। तो जो लीडर होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिपार्टमेंट हेड, जो भी है लीडर है, उसको कैसा होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए सब तरह से। यशोदा मैया ठकुरानी है, ठकुराइन है, ब्रज की मालकिनी है। तो गंभीर में सागर सी, धैर्य में बसुमती, पृथ्वी के समान धैर्य किसी में नहीं है। पृथ्वी सबका सहन करती है, हालांकि कहती है कि मैं सब सहन कर सकती हूं, लेकिन एक आदमी का नहीं। कौन है? किसका सहन नहीं कर सकती पृथ्वी? किसका? पापी का, जो झूठ बोलता है उसका। ये प्रसंग कहां पर आया है? और कोई अंदाज से मत पकड़ो, बलि महाराज के प्रसंग में बलि महाराज कहते हैं कि पृथ्वी कहती है कि मैं सब ढो सकती हूँ सोडियम, लेकिन जो झूठ बोलते हैं, जो वंचना करते हैं, उसका भार नहीं ढो सकती हूँ। बलि महाराज शुक्राचार्य से कह रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ, इस ब्राह्मण को तीन पग देने के लिए कहाँ हूँ। गो बैक रीड रावण का बात, में हो सकता वहां भी होगा, लेकिन भागवतम में इस प्रसंग में है। एनीवे, तो पृथ्वी सबका भार सह सकती है, लेकिन झूठ बोलने वाला का भार कभी नहीं सह सकती है। तो पृथ्वी में गंभीरता है, सॉरी जसदा मैया में गंभीरता है, धर्मयी है। त्रिभुवन में कौन तुझसी बुद्धिमती, और बड़ी बुद्धिमान है। जब धरनी का होता कंपन तब स्थिर रहता न कोई जन, वैसे ही तेरे दुख में दुखी सर्वजन। पिघले पाषाण भी सुन तेरा विलाप, धौर धर ब्रजेश्वरी मिटे संताप। जब भूकंप आता है तो क्या नहीं कांप जाता है, सब कुछ कांपता है भूकंप में, वैसे ही तुम्हारा जो करुणामय दारुण विलाप है, जो दुख है, तुम रो रही हो, लेकिन तुम्हारे दुख से सब ब्रजवासी लोग आज दुखी हैं। तुम्हारा विलाप इतना हृदय विदारक है कि पाषाण को भी पिघला देता है। इसलिए हे ब्रजेश्वरी धैर्य धारण कर, ये तुम्हारा भी संताप मिटे और सब लोगों का संताप। और यशोदा जी कहती है, सखी कैसे धरूं धैर्य, अपने ही दोष से खोए जो अपना धन। हाय मैंने क्या किया, पाया धन खो दिया, कौन था अक्रूर, कहां का अपना, जिसे दे दिया नीलमणि अपना। हाय मेरी मत मारी गई, क्यों न मैं ही मर गई, क्या कहेंगे लोग आज, जो था मेरा सिरताज, जिसे रखा था पलकों पर उसे अपने ही हाथों विदा कर। आ गई अपने घर, वह घर नहीं अब,
फांसी घर जहां आते जाते बाहर भीतर रहता वह आगे पीछे मेरी धोती का आंचल धर कहता माँ लोनी दे, लोनी मतलब माखन, लोनी दे जहां अब वह सिरताज नहीं कोकिल सी आवाज नहीं पड़ा नवनीत औनी पर। तो इस प्रकार से यशोदा मैया का विरह व्यथा बताया। नंद बाबा का आगे है लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ें। तो इस प्रकार से ये लोग और नंद बाबा और यशोदा मैया में से यशोदा जी का जो परिस्थिति था बहुत ही खराब था। नंद बाबा फिर भी धैर्य धारण कर लेते थे, कुछ न कुछ सूचनाएं मिलती रहती थी उनको, लेकिन यशोदा के पास कोई जो नंद बाबा का है वही सूचना थी, बाहर का लोग कोई सूचना दे नहीं रहे थे। तो नंद यशोदा की परिस्थिति बड़ी खराब थी। तो यह सब दुख था। अब इस दुख से निवारण कराने के लिए भगवान ने उद्धव जी कहा का प्रीतिम आवह, आवह प्रीतिम आवह, प्रेम को ले जाओ, प्रेम को ले जाओ। और प्रेम तो कोई वस्तु नहीं है जिसे ले जाया जा सके, यानी प्रेम का संदेश सुनाओ, अच्छा चीज सुनाओ जिसे प्रेम उत्पन्न हो। और बाप मां के लिए सबसे अच्छा है हमारा बेटा सुखी रहे। बस गिरिराज स्वामी के पिताजी प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए और कलकत्ता में प्रभुपाद जी थे उस समय, तो उनको वे ब्लैंक चेक दिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा खुश रहे, प्रसन्न रहे। तुम हरे कृष्ण वालों के साथ में ये भीख मांगता है बाहर जा करके, खाने को नहीं मिलता है, चटाई पर सोता है, ऐसी परिस्थिति तुमने बना दी हमारे बेटे को, तुम्हें जितना चाहिए इसमें भर लो और हमारे बेटे को दे दो। प्रभुपाद जी को गिरिराज स्वामी में विश्वास था, भगवान पर विश्वास था वास्तव में। प्रभुपाद ने कहा कि आप अपना चेक भी ले लो और अपने बेटे को भी ले जाओ। प्रभुपाद रिनाउंस, उनको क्या आसक्ति थी, ले जाओ। और जब गिरिराज से पूछे उनके पिताजी, तो कहे पिताजी आपकी प्रसन्नता किसमें है, मुझको खुश देखने में या मुझे दुखी देखने में। तो कहे ऑफकोर्स बेटा मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तो कहे मैं यहाँ पर खुश हूँ, कोई तकलीफ नहीं है हमें, आई एम वेरी हैप्पी हियर, हो गया खत्म। तो बाप माँ की प्रसन्नता इसी में है। हाँ ये जरूर अंतर है कि बाप माँ बच्चों की प्रसन्नता अपने अनुसार देखना चाहते हैं। जैसे अच्युत मोहन प्रभु की माता जी, मेरे साथ इनकाउंटर एक आध बार हुआ है, तो उनका एक अलग ही विचार है। कितना भी समझाओ, पिता ही समझते हैं उनके, लेकिन माता जी आज भी कि माँ का दिल है नहीं समझती है कैसे वो प्रसन्न होगा। एनीवे, लेकिन ओवरऑल यदि बच्चों का अच्छा मैसेज मिले कि हमारा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है जैसे हम बताया, तो बाप माँ खुश हो जाएंगे। तो इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि प्रीतिम आवह, जा करके आप संदेश दो उनको, आनंद दो ये संदेश दे करके कि हम लोग कैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हम लोग का प्लानिंग है, क्या हो रहा है, संदेश देने के लिए। और आप कहना कि बस कुछ दिन और फिर मैं आ ही रहा, तो इस संदेश देने के लिए। अब यहां तक हो गया। और मैं ये बताया कि जैसे बाप माँ को दुख होता है तो बेचारे रो लेते हैं, रो करके और अपने पीड़ा को थोड़ा शांत कर लेते हैं, दुख शांत कर लेते हैं, क्योंकि ये बाह्य दुख है। आंतरिक दुख बड़ा खतरनाक होता है, वह है गोपीनाम, जो गोपनीय रखे। कृष्ण के विरह में कितना पीड़ा हो रहा है इस बात को वे लोग व्यक्त भी नहीं कर सकती हैं, कम से कम
नंद रानी तो रो सकती थी, छाती पीट सकती थी, दुख को प्रकट कर सकती थी, लेकिन ये गोपियां, ये गोपियां ये भी नहीं कह सकती थी, लेकिन गोपीनाम गोपनीय अर्थ गोपीना, एक गोप गुप्त रखने के अर्थ में एक गोपी शब्द आया हुआ है गोपिन, तो गोपिनार्थ गोपिना, जो गुप्त रखे वह गोपी है, तो गोपीनाम एक गोपियां नहीं थी, अनेक गोपी थी, और सबको विरह वेदना थी। ये देखिए बाहर से सब कुछ ठीक था, बाहर सब कुछ ठीक था, अपने पति की सेवा करती थी, बच्चों को खिलाती पिलाती थी, सास का सेवा करती थी, खाना बनाना जितना भी काम था सब करती थी, लेकिन अंदर से दुख था। दुख क्या था? कहते मद वियोग आधी, कैसा दुख था? आधी शब्द कहते हैं, तीन प्रकार के दुख है ना, आधी भौतिक, आधी दैवतिक और आध्यात्मिक। हरि बोल। तो आंख खोल कर सुनो ना, परीक्षित महाराज आंख बंद करके नहीं सुन रहे थे। तो आधी, आधी मतलब मानसिक दुख, उसे आधी कहते हैं, और व्याधि मतलब शारीरिक, आधि व्याधि आध्यात्मिक। तो मानसिक दुख गोपियों का था, किस लिए मानसिक दुख था? मद वियोग, दोनों का दुख था, नंद यशोदा का भी दुख था, किसके लिए? मद वियोग। तो उनके लिए कहते हैं प्रतिम आवह, अच्छा बात बतला करके उन लोगों को प्रसन्न करो, उनके दुख को। लेकिन मेंटल जो दुख है, जो मानसिक दुख है, कैसी परिस्थिति है, प्रेम की परपाटी ऐसी ही है कि वो चाहते हुए भी नहीं कह सकती है। अब देखिए ना, कौन शब्द में याद रखने के लिए कहा था आप लोगों को? हाँ हाँ, क्रंदन ही क्रंदन। अब माता पिता तो रो करके अपना दुख मिटा सकते हैं, लेकिन गोपियां बेचारी रो भी नहीं सकती है, पति के सामने रो सकती है कि मैं कृष्ण के लिए रो रही हूं? रो सकती है? नहीं रो सकती है। तो कितना दुख है इन लोगों का। और प्रेम कैसी परिपाटी होती? देखो प्रेम अलग अलग होता है, माँ बाप का प्रेम, बेटा का नाम रोशन हो बाप माँ उसमें खुश हैं, पत्नी को चाहे प्रेमिका को ये नाम जहन्नम में जाए तू हमारे साथ में रहो उसमें प्रेम है, वो लोग उनका वियोग का अलग अलग ये तारतम्य, अलग अलग इस स्टेज है। तो गोपियों के दुख का कारण भी कृष्ण थे और गोपियों के सुख का कारण भी कृष्ण थे। श्रीपाद जी गोस्वामी उज्ज्वल निर्मणि में एक बात बताए हैं कि गोपियों की परिस्थिति को, गोपियों के वियोग के विषय में, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे एक गोपी और दूसरी गोपी नहीं थी, इसमें राधारानी स्वयं थी, तो वे अपने सौत को याद करने लगी, चंद्रावली हो सकती है सौत, या स्वयं बांसुरी, सौत को याद करने लगी। जब सौत को याद करने लगी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि मैं क्यों उसको याद कर रही हूं, हमारा क्या लगता है, अरे हमें तो याद करना चाहिए कृष्ण को, लेकिन सौत को याद करके हम दुखी हो गए। जैसे उदाहरण के लिए, हमारा पड़ोस वाला हमको परेशान कर दिया, तो उस परेशानी के चलते हम उस पड़ोस वालों को अपने मन में बैठा लिए हैं, यही करते हैं ना, जो परेशान किया है उसको अपने मन में बैठा लिए हैं, दुख का कारण जो है उसी को मन में बैठा लिए हैं, जो दुख का कारण है और उसको भगाओ,
आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड, लेकिन उसको बैठा लिए। तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि मैं इन लोगों को क्यों बैठा रही अपने मन में, हमें तो कृष्ण को बैठाना चाहिए। ये है भक्त का लक्षण। भक्त वह है जो उसी को अपने मन में रखता है जो हमेशा उसके सुख का आनंद का कारण हो। तो कृष्ण गोपियों के लिए आनंद के कारण थे, जब साथ थे तो भी आनंद और साथ नहीं थे तो भी आनंद। एक विरहानंद था, विरह में आनंद था, जिसको श्रीपाद रूप गोस्वामी सर्वश्रेष्ठ माने हैं विरह के आनंद को। तो कोई कह सकता है तब तो गोपियां आनंद में थी तो फिर उद्धव जी को भगवान क्यों भेजे, लेकिन यह आनंद तड़फा रहा था उन लोगों को, ये बाहर प्रकट नहीं कर पा रही थी इस आनंद को। तो गोपी नाम मद वियोग आधि, ये आधि जो है मानसिक पीड़ा गोपियों को हो रहा है, वो प्रकाशित नहीं कर पा रही है, कह नहीं पा रही है। माता पिता तो कह भी देते हैं, दूसरे से बात भी कर लेते हैं, अब गोपियां किससे बात करने जाए। सभी गोपियों के साथ में कृष्ण का संबंध था अलग अलग रूप से, और सब चाहती थी, सब गोपियां देखती थी कृष्ण हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, ये दूसरा बात था। कोई कह भी नहीं सकता था कितना कृष्ण से प्रगाढ़ प्रेम है। तो इनके वियोग के चलते गोपी नाम मद वियोग आदि, वियोग के चलते ये दुख था। तो उन लोगों के लिए भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं मत संदेशो, मेरा संदेश दो। माता पिता के लिए कहते हैं जाकर के प्रतिम आवह, उनको आनंदित करो, कैसे मेरे विषय में बता करके आनंदित करो। लेकिन गोपियों को मेरे विषय में बताओगे आनंदित नहीं होगी। उद्धव जी यही किए, भूल गए, भूले नहीं, पहले तो नंद जसोदा को, वो आगे के अध्याय में है, नंद जस भ्रमर गीत में है, नंद जसोदा को आकर के कृष्ण के विषय में खूब बात बताए, कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण हैं कौन इत्यादि, वो याद भी दिलाए। गर्गा, आपको याद है ना, गर्गाचार्य जी जब नामकरण हो रहा था तो कहे कि नारायण हैं और क्या क्या है, सब सुन करके वो लोग शांत हो गए। लेकिन गोपियों को जब समझाने लगे उद्धव जी, तो गोपियों ने कहा उद्धव नहीं मोर मन दस बीस, हमारा दस बीस मन नहीं है, एक ही मन है जो श्याम सुंदर के साथ में है। तो इसीलिए भगवान ने बोला मत संदेशो, संदेश खाने वाला नहीं, वो संदेश जो बनता है वो नहीं, बड़ा सुंदर नाम है संदेश। सम आदेश इति संदेश, सम आदेश सम्यक रूप से जो मैं कह रहा हूं, आदेश का मतलब नहीं कि ऑर्डर ही होने होता है, कहना भी आदेश कहलाता है। तो सम आदेश जो मैं गुड़ बात कहने जा रहा हूं उसी बात को तुम बताना। तो देखिए माता पिता के लिए मेरे विषय में कह देना उसे खुश हो जाएंगे, लेकिन गोपियों के लिए कहते हैं मत संदेशो, मैं जो कह रहा हूं वह तू कहा, यानी तू समझाएगा वो गोपियां नहीं समझ सकती है, जो मैं कह रहा हूं वो कहो। तो उद्धव जी पहले समझाए अपने तरफ से, गोपियां नहीं समझ पाई, और जब भगवान ने जो बात कहा था, जब वह बात कहे, तब गोपियों का जो प्रेम था इतना बाहर आया, इतना बाहर आया, इतना बाहर आया कि उद्धव जी भी उसमें सराबोर हो गए। जिस काम के लिए भगवान भेजे थे काम हो गया। हरि बोल। उद्धव जी को भगवान भेजते था कि इनको प्रेम रस की प्राप्ति हो जाए। तो ये जो शब्द है मत संदेशो विमोचया, मेरे संदेश से उन लोगों को छुटकारा दिलाओ। भगवत गीता भी मत संदेश है, मत संदेश गीता का उपदेश
लोगों को समझा करके सुना करके उन लोगों को हम लोग दुख से छुटकारा दिला सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी इतना जोर दिए हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर। ये पुस्तक वितरण है, ये मत संदेश है, भगवान का संदेश है। जिनका जिस रूप में भगवान से संबंध है उस रूप से वे लोग गीता को समझ सकते हैं। भगवत गीता में सब रस विद्यमान है, ऐसा बात नहीं है केवल दास और साखी है, सब रस विद्यमान है। भगवत गीता भक्ति का शास्त्र है, भक्ति से प्रेम की प्राप्ति होती है। भक्ति का परिभाषा ही अन्याभिलाषता शून्य ज्ञान कर्मात् अनावृत अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। अनुशीलनम, जो कृष्ण को प्रसन्न कर सके, जब कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो हम स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवत गीता भी भगवत संदेश है, उद्धव गीता भी भगवत संदेश है। तो भगवान के विषय में बतलाना यह है मत संदेश। तो भगवान क्या संदेश दिए हैं वो कथा कल या परसों करेंगे, ठीक है ना? समय हो गया 4 मिनट। कोई प्रश्न है किसी को? उद्धव जी को भेज रहे हैं ब्रज में कोई स्पेसिफिक काम से, और वह काम है कि नंद यशोदा आदि को प्रसन्न करना, यानी उनके कार्यकलापों को बता करके इत्यादि इत्यादि। और जो गोपियाँ कृष्ण के विरह वेदना को प्रकाशित नहीं कर सकती हैं, मन ही मन जो इतनी दुखी हैं, उन लोगों को उस दुख से विमोचय, विमोचय जो बंधा हुआ है उसको छुटकारा दिलाना। विमोचय किसी को याद है श्लोक? विमोचय मुच्यन्ति सर्वसंशया, हैं मुच्यन्ति सर्वसंशया। भगवान का कथा कीर्तन सुनेंगे तो सब प्रकार के संशय दूर हो जाएंगे। तो मुच्यन्ति मुक्त हो जाना, और विमोचयन्ति मतलब विशेष रूप से मुक्त का विमोचना, विशेष रूप से छुटकारा दिला दो। कैसे? भगवत संदेश से। तो इसका उपसंहार यही है कि हम जब लोग जो कृष्ण भावना भावित भक्त लोग हैं वे सर्वत्र जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। यदि किसी चीज कमी है तो वह है कृष्ण कॉन्शियसनेस के। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करें और लोगों को दुख से छुटकारा दिलाएं। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दृतया मामेव जे प्रपदंते माया में ताम तरंदते। लोगों को छुटकारा दिलाएं कृष्ण कॉन्शियस दे करके। आनंद और बिरहानंद, आनंद की प्राप्ति होती है जब जो चीज हमारे पास नहीं है वो मिल जाए तो आनंद देता है, और बिरहानंद आनंद में ही है लेकिन बिरह के आनंद में। जैसे कभी कभी मैं कल बता रहा था, कोई रोता है जब खूब दो रोता है तो जोर से रोता है तो आनंद होता है, रोने का आनंद, विरह का आनंद होता है। लेकिन मेटेरियल एग्जाम्पल है, जो गोपियों का एग्जाम्पल है विरहानंद का, कृष्ण के साथ हैं और कृष्ण की विरह में भी हैं, तभी आनंद की अनुभूति कर रही है। उदाहरण हॉट सुगर कैन है, जो गन्ना है उसको आग में डाल दो तो गर्म है लेकिन है इतना मीठा, चूस भी नहीं सकते हो और छोड़ भी नहीं सकते हो। वो गोपियों का परिस्थिति है, ये है विरह आनंद, विरह के आनंद में। यह संजय प्रभु,
प्रभुजी सच हमारी कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं, है तो बहुत उच्च श्रेणी की बात है, लेकिन एक छोटा सा प्रभुजी प्रश्न था कि जैसे हम समझते हैं कि जैसे जो भक्त होते हैं वे जब भगवान के संग में होते हैं तो भगवान की सेवा करके उनको आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन जैसे अभी आप विरह आनंद बता रहे हैं तो इसमें भगवान की सेवा तो प्रत्यक्ष रूप से करता नहीं है भक्त, क्या मतलब? मानसिक सेवा है, वो सेवा हायर है, शरीर के सेवा से जो हायर सेवा है, 24 hours a day जो कृष्ण के चिंतन में लगा हुआ है। हम लोग यहाँ हाँ से सेवा कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और चला गया है, लेकिन गोपियों में ऐसा नहीं था। गोपियां में मन कृष्ण में लगाता, हाथ से कोई उल्टा कर रही थी, हैं? जो पैर में पहनना था यहां पहना रही थी, हैं? काजल के यहां लगा दे रही थी, सरी को सवास नहीं था। तो ये बात थी। ऑल राइट, ठाकुर जी को हम लेट नहीं कराएंगे, हो गया। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराष्ट्र में भागवतम की जय।